नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल, अलवर। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर में। इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे कि हमारा देश जो विश्व गुरु कहलाता था वो कैसे कहलाता था। इस प्रकार के छोटे 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 वीडियोस पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इतिहास के कुछ अनछुए पहलू हैं जिनकी जानकारी आज वर्तमान में बच्चों को नहीं होती है। हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री के तहत हम इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज क्या भारत में हुई, या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज इंग्लैंड में हुई, या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज अमेरिका में हुई, कहाँ हुई। आज स्थिति यह है कि हम ये देखते हैं कि हमारे देश जो विश्व गुरु रहा था वो विश्व गुरु हमें कैसे रहा था, किन कारणों से था। हमारा देश यदि पिछड़ा, हमारे देश के जो युवा है वो पिछड़ा है, उसे देश यदि कहीं किन्हीं स्थितियों में पसंद नहीं आता है तो उसके पीछे कारण क्या रहा था, वो चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। और इन चर्चाओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम भारत के अंदर किस किस प्रकार के विकास हुए हैं, कैसी स्थिति रही है। हम एक पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि गणित की यदि शुरुआत है तो वो भारत से है, क्योंकि जो शुरुआत होती है शून्य, जो जीरो है, वो भारत में के द्वारा ही दिया गया था। यानी कि भारत के एक महान वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार हुआ था, और उसके बाद ही काउंटिंग स्टार्ट होती है, गिनतियां स्टार्ट होती है, गणितज्ञ ज्ञान स्टार्ट हुआ था। उन तमाम चर्चाओं से आज के इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किस प्रकार से है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो चर्चा की जाती है, ये जब खोज की बात होती है तो विद्यार्थी के स्मृति पटल पर एक नाम उभर कर आता है, और वो होता है सर हाईजेक न्यूटन। क्योंकि विद्यार्थी को पढ़ाया ही जाता है, पिछले ज्ञान से विद्यार्थी को नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा गया, क्या कारण रहा, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाईजेक जो न्यूटन है, इनका जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ, इनकी मृत्यु 31 मार्च 1727 को हुई थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ, वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष व दार्शनिक थे। इनके जीवन में एक घटना घटी थी, जैसे आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति है, उस लॉकडाउन में हम घरों के अंदर रहे थे, उसी समय भी लॉकडाउन में जो न्यूटन थे वो अपने घर में थे, और घर के पीछे जो उनके वहां एक सेब का पेड़ था उसके नीचे जब वो बैठे हुए थे तो एक सेब पेड़ से टूटा और टूट के नीचे आया, और न्यूटन के दिमाग में एक विचार आया कि ये सेब नीचे आने के बजाय ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, और यहीं से शुरुआत की मानिए गुरुत्वाकर्षण बल माना गया। और इसे इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया, इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि जो हमारा सिद्धांत था वो सिद्धांत विदेशियों के द्वारा बहुत प्रचार प्रसार से दिया गया और हमारे ध्यान से वो निकल गया बिल्कुल ही। हमारी आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं रहा कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक, जिनका जन्म गुप्त काल में हो चुका था, उनका नाम है वराह मिहिर। वराह मिहिर का जन्म 5वीं शताब्दी में शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक गांव, कपित गांव, उज्जैन के अंदर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां हुआ था। उनके पिता आदित्य दास सूर्य के उपासक थे, महान ज्योतिषाचार्य थे। ज्योतिष का ज्ञान वराहमीर को जो मिला था वो अपने पिता से ही प्राप्त हुआ था। ज्योतिष के उनके महान ज्ञान के कारण ही गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। वराहमीर जो ज्योतिषाचार्य थे, गणितज्ञ थे, खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने महानतम ग्रंथों की रचना, जो त्रिकोणमिति से संबंधित रहे, गणित से संबंधित रहे, गणित का एक ग्रंथ संख्या सिद्धांत के नाम से इन्हीं के द्वारा रचा गया था, जिसके बहुत कम प्रमाण आज के समय हमारे पास मिलते हैं, लेकिन इन्होंने कई सिद्धांतों की रचना की। जिस सिद्धांत पर मैं बात कर रहा हूं वो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर बात कर रहा हूं। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट का जो सिद्धांत था कि पृथ्वी गोल है उसको माना, लेकिन वराहमिहिर ने इस बात को कहा कि जो चीजें पृथ्वी से जो चिपकी हुई हैं, जो चिपकी हुई हैं या आसमान की ओर फेंकी कोई कोई वस्तु, यदि पृथ्वी की ओर जब आती है तो वो आकर्षण के सिद्धांत के कारण आती है,
जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हम ये अब इससे सिद्ध होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है मित्रों, वो जो सिद्धांत है, वो न्यूटन से पहले वराहमिहिर के द्वारा गुप्त काल में दे दिया गया था, वराहमिहिर के द्वारा जो दिया गया। लेकिन हमें इस प्रकार से हमारे जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों को विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा हटा दिया, जला दिया गया था, या मान के चलिए आप उनको विलुप्त कर दिया गया, हमारे सामने नहीं रखा गया। लेकिन और हमारे सामने हमारे भारत की जो स्थिति रही, जो भारत की विशालता थी, जो भारत की वैज्ञानिकता रही है, भारत की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को दबाया गया और विदेशों ने अपनी बातों को ऊपर रखा, जिससे जिससे भारत की जो भावी पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो इस बात को जान ही नहीं पाती कि स्थिति क्या है। आज हम पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 10,000 विद्यार्थी जो पढ़ाई किया करते थे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, चाइना, जापान, कोरिया, विदेशों से विद्यार्थी यहां पर आया करते थे। और आपकी जानकारी, हालांकि ज्यादा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बता देता हूं आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय में क्लासरूम में एंट्री नहीं, गेट के अंदर ही प्रवेश तब दिया जाता था जब गेट कीपर यानी कि द्वारपाल के इंटरव्यू को वो विद्यार्थी पास कर लिया करता था। इस प्रकार के हमारे विश्वविद्यालय यहां पर रहे, जिनकी चर्चा हम लोग आगे होगी, हम आगे देखेंगे। लेकिन तो जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो सिद्धांत जो दिया था, वो मित्रों महा वराहमिहिर के द्वारा दिया गया। वराहमिहिर ने ज्योतिष में फलित ज्योतिष के अंदर लघु जातक, वृह जातक, वृहत संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की थी। आज की मेरी चर्चा जो रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के बारे में रही है। हमारी जो भारत की खोई हुई संस्कृति है, उस संस्कृति से मैं आज की युवा पीढ़ी को परिचित करा सकूं, यही मेरे एक अहम उद्देश्य है, जिसमें मुझे आप लोगों का सहयोग एक बेहद वांछनीय है, बहुत जरूरी है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारे भारत की विशालता, हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान रही है। भारत ने विज्ञान के क्षेत्रों में किस किस प्रकार से विकास किया है, वो अग्रिम जो हमारे वीडियोज होंगे उसके हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।